इस वीडियो में जो आज का वीडियो है लास्ट, पहले तो ये बता देते रहे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था। लास्ट वीडियो में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बताया गया था, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिसेस के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोजिट ऑफ रिलेशन। कंपोजिट ऑफ रिलेशंस यानी कि दो रिलेशन को हम लोग कंपोज करेंगे। तो जब दो रिलेशन की बात हो रही है तो दो रिलेशन के लिए हमें फोर पेयर ऑफ सेट की जरूरत पड़ेगी, टू पेयर ऑफ सेट की। तो लेट आर इज ए रिलेशन, आर एंड एस आर टू रिलेशंस फ्रॉम सेट A to B and C to D respectively. B to C respectively. B एक तरीके से ब्रिज का काम करेगा, इसी नाते एक सेट कॉमन लिया गया है बी। तो आर जो रिलेशन है वो ए टू बी है, और यस जो रिलेशन है वो बी टू सी है। तो द कंपोजिट ऑफ आर एंड यस इज डिनोटेड बाई आर ऑफ यस, इस तरीके से डिनोट किया जाता है उसको, आर ऑफ यस पढ़ते भी हम लोग हैं। और यहाँ पे दिस आर ऑफ यस इज द रिलेशन consisting of ordered pairs A comma C where A belongs to capital A and small c belongs to capital C, and for which there exist an element B belongs to B such that A comma B belongs to R and B comma C belongs to S। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे बी ब्रिज का काम कर रहा है। एक रिलेशन ए टू बी है और दूसरा रिलेशन बी टू सी है। तो यहाँ पे जो कंपोजिट रिलेशन है आर और एस का, जिसको हम आर ऑफ एस से डिनोट करते हैं, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो ए सी टाइप का है, जो कि आर ऑफ एस का एलिमेंट होगा या आर ऑफ एस से संबंधित होगा, वो इस प्रकार होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट कैपिटल ए सेट से बिलोंग करेगा, मतलब इससे बिलोंग करेगा,
और सी जो है वो कैपिटल सी से बिलोंग करेगा। लेकिन ऐसा बिलोंग करने के लिए ज़रूरी है, ये बिलोंग करने के लिए ज़रूरी है कि स्मॉल बी एक एलिमेंट होगा कैपिटल बी के अंदर जो ब्रिज की तरह से काम करेगा, और ए बी और बी सी ये दोनों का जो ए यहाँ पे था यह, और ये जो ब्रिज का काम किया, एक ऑर्डर पेयर ए बी बना और ये सी और ये बी, बी सी एक ऑर्डर पेयर होगा जो ए बी जिसमें से आर से बिलोंग करेगा, बी सी यस से बिलोंग करेगा, तो ये भी ब्रिज की तरह से काम कर रहा है, ये ज़रूरी है। तो कंपोजिट रिलेशन दो रिलेशन का कंपोजिशन है जिसमें ये ज़रूरी है कि एक सेट कॉमन होगा, जो पहले सेट में रेंज है वो दूसरे सेट में एक तरीके से डोमेन का तरह से काम करेगा, हालांकि रेंज और डोमेन फंक्शन में नाम लिया जाता है लेकिन समझाने के लिए कुछ बोल रहे हैं। ए से बी में जो रिलेट है और जो बी से सी में रिलेट है, इन दोनों का कंपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि बी एक कॉमन सेट है दोनों में, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ए बी अगर एक एलिमेंट आर में है और बी सी एक एलिमेंट कैपिटल एस में है, तो ए सी एक एलिमेंट आर ऑफ एस में होगा। ये कंपोजिट के बारे में हो गया, लेकिन इसको पूरी डिफिनेशन को हम जो यहाँ पे लिखे हैं, ये पोर्शन आप एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक लाइन में डिनोट कर सकते हो, उसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आर ऑफ यस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ टाइप ए सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद बना है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू था ए क्रॉस बी से, बी सी बिलोंग्स टू था बी क्रॉस सी से, और ये जो रिलेशन है आर वो ए क्रॉस बी का सबसेट है और यस जो रिलेशन है वो बी क्रॉस सी का सबसेट है। तो इसी नाते ये बात लिखी गई है कि ए सी आर ऑफ यस जो है ए सी टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे कुछ शर्त है सच डेट इसी नाते लिखा गया है, फॉर सम स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये ब्रिज का काम करेगा। स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये ब्रिज का काम करेगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू यस, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू यस, ये बी ब्रिज का काम कर रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसी की वजह से इसी के वाया जो है कंपोजिशन हो रहा है। तो फॉर सम बी ऐसा एक बी होना चाहिए बी के कैपिटल बी के अंदर, तो ये और आप यस को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं पहले इसके लिए। ये जो अभी आपने लिखा है इसको एक और लाइन इसके लिए लिख सकते हैं, इसका मतलब डैट इज ए इज रिलेटेड टू बाई अनदर रिलेशन दैट इज कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस टू सी, मतलब ए का रिलेशन सी से है, ये एक अनदर रिलेशन है जो कि कंपोजिशन ऑफ आर और एस से बनाया गया है। ये कैसा है इज फॉर, उसी चीज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इज फॉर सम स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल यस। उसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए का सी से रिलेशन है लेकिन कब है, जब एक कोई बी एग्जिस्ट करे स्मॉल बी कैपिटल बी से, कैपिटल बी में,
और ए बी आर में हो, बी सी एस में हो। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर और डी इज रिलेटेड टू सी बाई रिलेशन एस। ऐसे भी इस बात को लिखा जा सकता है। तो कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस आर एंड एस आपने पढ़ा, जिसमें आर और एस का कंपोजिशन करके आर ऑफ एस बनाया गया है। उसमें आर ए क्रॉस बी से संबंधित है, मतलब ए टू बी रिलेशन है, और एस बी क्रॉस सी से रिलेटेड है, बी क्रॉस सी का सबसेट है एक तरीके से, और बी क्रॉस सी से तो बी इसमें कैपिटल बी ब्रिज का काम कर रहा है, और डिफिनीशन आपको दो तीन तरीके से बता दिया गया है। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। एग्जांपल में एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 ये तीन एलिमेंट हैं, बी एक सेट है जिसमें पी क्यू आर तीन एलिमेंट हैं, और सी एक सेट है जिसमें यक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हैं। अब इसमें आर एक रिलेशन गिवन है आपको, जिसमें 1p है, 1r है, 1 2q है, 3q है, और यस एक रिलेशन है जिसमें py है एक एलिमेंट, qx है, rz है। आपको आर ऑफ यस कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ये देखिए 1 का p से है और p का y से है। p आप देखिए यहाँ कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ p है, तो p आप देखेंगे यस में कहाँ पे कहाँ कहाँ पे एज ए फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर पे, सिर्फ एक जगह है, तो इसी नाते यहाँ पे 1y आ जाएगा, ये बी का काम कर रहा है। फिर इसी तरीके से इसको पिक करिए 1r, r यहाँ लिखा, r कहाँ कहाँ पे है, केवल एक जगह है, तो 1z एक बन जाएगा। फिर इसी तरीके से 2q है, तो q देखिए कहाँ कहाँ है, केवल एक जगह है q, तो 2x बन जाएगा। फिर 3q है, तो q एक जगह है, तो 3x बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपके 4 एलिमेंट आ गए, 1y, 1x, 2x, 1z, 2x, 3x। लेकिन अगर एक अनदर एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा गया है R का नाम 1 1, R जो रिलेशन एक ही रिलेशन है, सेम रिलेशन का सेम रिलेशन के साथ कंपोजिशन है, 2 1 और 3 2। तो यहाँ पे जब सेम रिलेशन का सेम रिलेशन के साथ कंपोजिशन हो, तो आर ओ आर को हम लोग आर स्क्वायर की तरह से डिनोट करते हैं। ये क्या बनेगा, तो दो बार आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी होगी, 1 1 2 1 3 2। तो आप देखिए 1 का 1 से है, तो 1 आप देखिए इसमें कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पार्ट केवल एक जगह है, तो 1 1 ये और ये वाला 1 दोनों मिलके 1 1 बना। 2 1 है तो फिर वही 1 1 ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो 2 1 बन जाएगा। फिर 3 2 है तो 2 केवल एक जगह है, तो 3 1 बन जाएगा, ये 3 और ये 1, क्योंकि ये 2 तो ब्रिज का काम कर रहा है। तो आर स्क्वायर में क्या आया, 1 1 2 1 3 1। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल था डिफरेंट सेट पे और दूसरा एग्जाम्पल था सेम सेट जिसमें लिया गया है। अब हम लोग दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो रिलेशन था, रिलेशन में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, रिलेशन में अब कुछ नहीं बचा है। अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
तो रिलेशन हम लोगों का ख़त्म हो गया। रिलेशन के बाद अब जो अनदर टॉपिक है वो फंक्शन है। फंक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं। फंक्शन के लिए देखिए क्या खास बात है कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होता है वो स्पेशल केस ऑफ रिलेशन होता है। पहली बात, जैसे आप देखिए हायरार्की, आपने सबसे पहले सेट पढ़ा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपने ये सेट था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, और उसके बाद आपने रिलेशन पढ़ा। तो रिलेशन जो था वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है। मतलब एक तरीके से फंक्शन भी सबसेट ऑफ आर है। तो ये हायरार्की है, पहले आपने सेट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फंक्शन जो कि स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है या कह सकते हैं रिलेशन का सबसेट है, ये हायरार्की है। ये ध्यान देना है, इस ऑर्डर में हम सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन, ये हायरार्की है। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, फिर रिलेशन बनाया, तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, फंक्शन रिलेशन का सबसेट है क्योंकि उसी का स्पेशल केस है। यहाँ पे भी आप सकते हैं रिलेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्पेशल इस नाते कहा जा रहा है कुछ कंडीशन लगा दिया जाता है, तो कुछ शर्त लगेगा और हो जाएगा फंक्शन। तब टू बी स्पेसिफिक लेट ए कॉमा बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड आर बी ए रिलेशन, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अब यहीं से हम लोग खास बात जो है इम्पॉर्टेंट वो देखेंगे। देखिए रिलेशन में क्या क्या है, रिलेशन में ए से बी में रिलेशन है, लेकिन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेट हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, टू एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट नेसेसरी। पहली चीज। दूसरी चीज है, इट मे बी मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी इज मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू सेम एलिमेंट ऑफ ए। ये भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें फंक्शन में अलाउ नहीं है, रिलेशन में ये अलाउ है। ठीक है, रिलेशन में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, अलाउड इन रिलेशन, ये रिलेशन में अलाउड हैं, बट नॉट अलाउड इन फंक्शन।
इसी वजह से स्पेशल केस हुआ रिलेशन का ही है, फंक्शन जो है इसीलिए स्पेशल केस है रिलेशन का। तो ये जो पहला पॉइंट आपने देखा कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट नेसेसरी इन रिलेशन, और दूसरी चीज इट मे बी मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ बी आर रिलेटेड टू सेम एलिमेंट ऑफ ए इन रिलेशन। तो ये दोनों चीजें रिलेशन में अलाउ हैं लेकिन फंक्शन में नहीं अलाउ है। मतलब ये दोनों चीजें हों अगर रिलेशन में तो कोई समस्या नहीं है, हो भी सकता है इस तरह की चीज, नहीं भी हो सकता, ऑप्शनल है, लेकिन फंक्शन में प्रोहिबिटेड है, फंक्शन में ये चीज नहीं होगा। तो ये दो जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है। तो इसी के बेस पे फंक्शन का डिफिनीशन बनाया गया है। फंक्शन का डिफिनीशन देखिए आप लोग, तो यहाँ पे लेट फंक्शन अब डिफाइन करने जा रहे हैं। Let A and B be two non-empty set, ये दो non-empty sets हैं। a function small f from a to b is a set of ordered pairs। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि पहले ही बताया गया है कि फंक्शन रिलेशन का सबसेट है और रिलेशन एक रास बी का सबसेट है, तो कोई यानी कि एफ बी एक रास बी का सबसेट होगा। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच डैट एफ इज सबसेट ऑफ एक रास बी विथ द प्रॉपर्टी क्योंकि मेन यही चीज है, जो प्रॉपर्टी है या कंडीशन है वो मेन चीज है। एक रास बी ये लिख देंगे इतने से काम नहीं चलेगा। विथ द प्रॉपर्टी डैट फॉर ईच एलिमेंट इन ए देयर इज unique element, there is an unique element in B such that x comma y belongs to F, where X belongs to A and Y belongs to B। और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं for each element X belongs to A there is an unique element Y belongs to B। मतलब चाहे तो फॉर ईच एलिमेंट इस जगह पे इन ए जो लिखे हैं यक्स बिलोंग्स टू ए देयर इज एंड यूनिक एलिमेंट इन बी की जगह पे वाई बिलोंग्स टू बी, तब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फंक्शन की बात हो गई डिफिनीशन। अब इसमें और भी जो कुछ चीज़ें हैं, तो आपने ये देखा कि
रिलेशन में एक एलिमेंट ए का बी के कई एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। आपने देखा भी होगा जैसे 1 1 रिफ्लेक्सिव में रहता है, 1 2 2 3 तो 1 3, तो 1 1 का 1 से भी है, 1 का 2 से भी है, 1 का 3 से भी है। तो ए का एक एलिमेंट बी के कई एलिमेंट से रिलेट कर सकता है रिलेशन में, लेकिन यहाँ पे नहीं। दूसरी चीज ये थी कि दो पॉइंट्स हमने बताए थे, तो पहला पॉइंट्स आपका यही था कि यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए, मतलब अद्वितीय, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, कि हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, लेकिन यूनिक एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं। तो दो पॉइंट ये थे जो कि रिलेशन में अलाउ था लेकिन फंक्शन में नहीं अलाउ है। तो यहाँ पे आप लोग जो फंक्शन को डिनोट करते हैं कि अगर फंक्शन सेट ए से बी की तरफ है तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं कि फंक्शन एफ सच दैट ए मैप्स टू बी, ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैप कर रहा है। और अगर पिक्टोरियल डायग्राम से आप लोगों को याद आ रहा होगा, लोअर क्लास में पढ़े होंगे, ए आप यहाँ लिख देंगे, बी यहाँ पे लिख देंगे, उसे यहाँ डॉट बना देंगे जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका एक एलिमेंट इससे रिलेट किया, दूसरा एलिमेंट इससे रिलेट किया, तीसरा भी इससे कर सकता है, चौथा इससे कर दिया। तो ये जो चीज़ है कि इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, पहली बात, इसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी से मैपिंग होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बात तो ये बेसिक पॉइंट जो रिलेशन के लिए था, एक ये था, और दूसरा ये बेसिक पॉइंट था कि अगर इस तरह की बात आ जाती है कि एक से अधिक एलिमेंट, एक एलिमेंट जो इसका है वो कई एलिमेंट बी के कई एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, मैप कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अलाउ नहीं है। पहली चीज़ क्या थी कि इसका हर एक एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कि जिसका इधर से मैपिंग ना हो, जिससे वो रिलेट ना करे, तो ये मैंडेटरी है, यहाँ कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ये मान लीजिए हमने ये कर दिया कि दोनों किसी न किसी से मैप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस एलिमेंट की मैपिंग इससे भी है और इससे भी, तो यूनिकनेस खत्म हो गया। यूनिकनेस मतलब कि इसका एक ही इमेज, एक से ज़्यादा इमेज ना हो, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, मैप करना चाहिए, वो चीज़ मस्ट है। तो ये फंक्शन नहीं है। अगर इसमें से कोई छूट, जैसे मान लीजिए कि ये नहीं बना होता तो ये भी फंक्शन नहीं होता, जैसे ये नहीं फंक्शन है वैसे ये भी फंक्शन नहीं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट छूट गया जिसका कोई इमेज नहीं है। लेकिन जैसे आपने इसको बनाया, ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप इसको हटा दीजिए, इसमें से कोई छूटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में कोई छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए में नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए ए में कोई छूट भी नहीं रहा है, और दूसरी चीज़ है यूनिक इमेज भी है, यहाँ बी में एक एलिमेंट छूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ए में नहीं छूटना चाहिए। तो ये बातें हैं। तो फंक्शन का डिफिनिशन इस तरीके से हम लोग जान गए हैं, लेकिन एक दो पॉइंट और बता दे रहे हैं। ए इज कॉल्ड, जो सेट ए है, डोमेन। बी इज कॉल्ड कोडोमेन।
बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और इसमें एक रेंज की बात होती है। तो रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर ही हो, इसी नाते यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट लगाया गया है, रेंज और कोडोमेन सेम हो, कोई अंतर ना हो। अब वो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल है, जो रेंज है वही कोडोमेन, बी इज रेंज एज वेल एज कोडोमेन, बट हियर बी इज कोडोमेन बट दीज टू एलिमेंट्स आर ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेंज बिकॉज दिस एलिमेंट इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो डोमेन जो होता है वो पूरा, अगर सेट ए से सेट बी में मैपिंग हो रही है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो सेट ए पूरा का पूरा हर हाल में, क्योंकि उसके हर एक एलिमेंट का मैपिंग किसी न किसी से होना चाहिए, हर एलिमेंट यूज होता है, इस नाते ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाता है, ये कोडोमेन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे इसमें कुछ छूटा हो या ना हो। लेकिन रेंज होगा ये पूरा का पूरा, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल सामने है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन एक ही है, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है। यहाँ पे कोडोमेन बी है लेकिन रेंज बी नहीं है, केवल ये दो एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। तो रेंज का डिफिनेशन है सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट ए इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सेट ए के जितने भी इमेज बन रहे हैं बी में, उसके जो सेट बनते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। इट मे बी रेंज एंड कोडोमेन सेम, इट मे नॉट बी सेम। तो सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।